शाम के 7:30 बज रहे हैं और अचानक से हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मतलब पहले से कोई प्लान नहीं था जाने का। मैं इवन सो रही थी तो मैं जस्ट फेस वॉश किया है और तुरंत चल दी हूँ डॉक्टर के पास। क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी आने के बाद। वेदर तो बहुत सही हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है, ठंडक तो है थोड़ी सी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया 7:30। और मैंने आज पहनी है ये वाली कुर्ती जो मैंने बहुत ज़्यादा दिनों के बाद पहनी है। चलें तो चलो, मैं कितने टाइम के बाद जा रही हूँ डॉक्टर के पास? बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा, शायद 1.5 से 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, नॉट 2, 1.5 महीने के बाद जा रही हूँ। लास्ट के जो 2 विजिट है ना, मेरे फ़ोन पे कंसल्ट कर रही थी डॉक्टर, देख नहीं रही थी, उन्होंने क्लिनिक पे बैठना बंद कर दिया था। तो लास्ट के 2 विजिट जो हुए थे मेरे, वो फ़ोन पे हुए थे बस। बट चलो आज चलते हैं फाइनली। कितने दिनों के बाद हम इस पार्किंग में से निकल रहे हैं। आज लंच में बन रही है पाव भाजी, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, वो भी स्पेशल वरुण के हाथ की पाव भाजी। तैयारियाँ हो चुकी हैं सारी। यहाँ पे ना वरुण ने कैप्सिकम कट कर लिया है एक बहुत ही ज़्यादा फाइन, और 3 प्याज कट कर ली हैं, 2 रफली चॉप टमाटर और बाकी 3 हरी मिर्च कट कर ली हैं। आलू बॉयल हो गए हैं इसमें, एंड वरुण वहाँ बैठ के छील रहे हैं आलू। कल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, एंड क्यों गए थे, क्या हुआ था, वो सब मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। बट उससे पहले बताती हूँ, हम लोग वहाँ से आए, मैं नहाई धोई, मतलब मैं और हमने दोनों शार लिया, नहाए और फिर हम लोग देखने बैठ गए द फैमिली मैन सीरीज सीजन 2 जो आ गया है। तो हम लोगों ने कल रात में 3 एपिसोड देखे, एंड आज फिर स्टार्ट हो गया है, 4th खत्म हो गया है, 5th एपिसोड भी चल रहा है हमारा। तो यह इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया, बट हाँ डोंट वरी, पाव भाजी की रेसिपी डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ मैं। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ क्या, देखते हैं अभी कुछ मन करा दूँ। वैसे मैंने अनार खाया, और आज ना वरुण मार्केट गए थे, आवाज़ आ रही होगी आपको, वरुण मार्केट गए थे पाव लेने के लिए, साथ में लेकर आए हैं जामुन। आई जस्ट लव जामुन, और ये वाला सीजन होता है जामुन का। तो अभी तक तो मैंने 2 बार बिग बास्केट से मंगाए थे, बट बिग बास्केट से ना क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, एंड रेट भी ज़्यादा महंगा था। तो यहाँ से लेकर आया, एंड थोड़ी सी लीची भी लेकर आया, लीची मिल गई वरुण को। आई जस्ट लव लीची यार, सीरियसली। बट अभी मेरा मन नहीं है कि मैंने अनार खा लिया, मौसी ने सुबह ही ना अनार छीन के रख दे दिए टिफिन में भर के, जिसको जिसको खाना हो खाते रहो, तो मैंने अपना एक कटोरी खा लिया है। या दैट्स द अपडेटेड वीडियो, बस यही पाव भाजी के साथ ही मिलती हूँ रेसिपी के, तब तक मैं अपनी सीरीज इंजॉय करती हूँ, मैं मिस नहीं करना चाहती उसका एक भी पार्ट। एंड ये रहे वरुण तैयारी करते हुए, मौसी है रूम में अंदर, और ये रहा मेहुल, एंड ये हूँ मैं। इसमें बनाते हैं सबसे बढ़िया है ये मार्केट वाला घी ना, हम वैसे यूज कर रहे हैं किसी चीज को बनाने के लिए या फिर रोटी वोटी के लिए, वरना मौसी ने ना मेरे लिए घर का बहुत सारा घी इकट्ठा कर दिया है, बहुत सारा। तो वो मैं जस्ट अपने लिए यूज़ करती हूँ, लाइक मेरे लड्डू बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है। ये गया घी, अभी इसमें ऐड कर दो प्याज, सिर्फ प्याज ऐड करना और कुछ नहीं। अभी इसे कम क्या, हल्का सा इसे 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है, दैट्स इट। ज़्यादा रोस्टिंग नहीं करनी है, मतलब ब्राउन नहीं करनी है। अनियन का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया, अभी इसमें ऐड कर देंगे हम कैप्सिकम। ये गया कैप्सिकम को ना मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है, मतलब वरुण ने, क्योंकि अगर कैप्सिकम ज़्यादा मोटा होगा ना तो फिर आपको बाद में मैश करने में ना उतनी ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो ट्राई करो कि प्याज और कैप्सिकम को थोड़ा फाइन ही चॉप करो, ताकि जब लास्ट में आप इसे मैश करो ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपके हाथों को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करनी पड़े। कैप्सिकम को हम 1 मिनट तक कुक कर लेते हैं प्याज के साथ।
तो हल्की सी मेरी कैप्सिकम भी ना सॉटे हो गई है इसी तरीके से। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटो और हरी मिर्च, दोनों ऐड कर दो अब इसमें। बहुत ज़्यादा रफली चॉप कर लिया है इसी तरीके से, क्योंकि टमाटो तो ये है कि अभी गल जाएगा ना तो इजीली मैश हो जाएगा। और ये गई तीन हरी मिर्ची। अब इसमें ऐड कर दो नमक, इसे मिक्स कर देते हैं। फिर इसमें ऐड कर देंगे नमक, नमक आपको इसी टाइम पर ऐड करना है, उससे ना आपकी जो सब्ज़ी है ना बहुत जल्दी कुक हो जाएंगी। अच्छा खासा ऐड कर दो जो पाव भाजी में यूज़ आ जाए। तो ये गया इसमें नमक, इसे मिक्स कर दो एंड अब इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख दो। 10 मिनट के बाद आप खोलोगे ना तो आपकी ये सब कुछ मैश हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, पक जाएगा, अच्छे से कुक हो जाएगा। बस ये गया कवर होके एंड फ्लेम को अभी थोड़ा सा मीडियम कर दो, वरना ये जल भी सकता है। तो जी हमें 10 मिनट हो चुके हैं एंड देखने में लगता है कि सब कुछ बढ़िया तरीके से पक गया है। यस परफेक्ट, ये देखो सब कुछ एकदम इजीली कुक हो गया है। टमाटो को कट करके देख सकते हो, देख रहे हो कितना अच्छा कुक हुआ है। तो ये तो हो गया कुक, अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड पाव भाजी मसाला। सोया पाव भाजी मसाला, आप कोई भी पाव भाजी मसाला ले सकते हो। और ये मेरा बिल्कुल नया है, ओपन करती हूँ इसे। ये अब हमारी जो भाजी बनेगी वो बहुत ही शानदार जानदार बनेगी, बिकॉज मैंने इसमें डाला है एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यार अभी से खुशबू आना स्टार्ट हो गए मसाला ऐड करते हैं एंड इसमें ये मिक्स कर देते हैं हल्का सा मसाले को, ठीक है। अभी इसमें ऐड करेंगे हम आलू। आलू को हमने यहाँ पे छील लिया है, बट हमें क्या करना है, आलू को ना लेना है एंड इस तरीके से ऐड करना है लाइक दिस, जितना आप कर सकते हो ना। उससे क्या होगा, आपको बाद में मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी शायद। सो आलू को आप मैश कर दो जितना करना है आपको, आपको भी करना है। वरुण बहुत एक्साइटेड है, मैं करूँ आप भी नहीं बना दी पूरी। नहीं अभी तो जो मेन काम है ना वरुण, वो आप ही को करना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 6 आलू, इसे चलो मिक्स कर दो तथा स्पून से, ठीक है। ये लो मिक्स एंड यस, अभी इसमें हम ऐड कर देते हैं, डाल दो इसमें। तो अभी ना ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा अगर ऐड कर दोगे ना पानी तो आपको बहुत मैश करना पड़ेगा। अभी इतना ही पानी ऐड करो ताकि हल्की सी ग्रेवी हो जाए। एंड अभी काम होता है मेन स्टार्ट, वो है मैशिंग का। तो मैं मैशर निकाल लेती हूँ, जो पोटैटो मैशर्स होते हैं ना, ये रहा। यस अब आपको इसे मैश करके ना पूरी चटनी बनानी है इस तरीके से, तो वो करेंगे वरुण। आ जाओ बेटा, आपका आ गया काम पाव भाजी का। पाव भाजी बनाना है सो सिंपल, अनटिल एंड अनलेस ये काम ना हो। सो बस अब आपको मीडियम फ्लेम पे करके एंड इसको मैश 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 मैश। सो देख रहे हो पाव भाजी हमारी पहुंच चुकी है इस कंडीशन तक, वेरी नाइस, वेल डन वेल डन। बहुत सही लग रही है, हटाओ तो एक मिनट हाथ अपना। हाँ बहुत सही है। अब ऐसा करते हैं इसमें ऐड कर दो थोड़ी सी देगी मिर्ची पाउडर, ताकि इसका जो कलर है ना वो हल्का सा रेडिश टच में भी आ जाए। करो 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 करो, बस परफेक्ट। अब इसे मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा आएगा यार इससे। बाकी आप देख रहे हो मिक्स तो मतलब मैश हो गई है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। मैशिंग आपका 10 मिनट ले ही लेता है, देखो कलर अच्छा आ रहा है ना। थोड़ा सा इसमें पानी तो भी ऐड करेंगे कंसिस्टेंसी। पाव भाजी मसाला डाल दूं थोड़ा सा? पाव भाजी की नीड नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैश कर लो बस। भाजी तो हमारी बढ़िया मैश हो गई है एंड कंसिस्टेंसी देख रहे हो बहुत गाढ़ी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, पहले ऐड कर देते ना तो आपको बहुत चलाने पड़ेंगे, ऐड करो हम पूरा डल जाएगा। तो मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है एंड अभी इसको मिक्स कर दो थरेली ऐसी। एंड अगर आपको लग रहा है ज़्यादा ओ शिट ये पानी पड़ गया, ऐसा आपको अगर लग रहा है तो रुको इससे करती हूँ। तो अभी ना ये बॉयल होगी एंड इसमें ऐड कर दो कसूरी मेथी घिस के, ये बॉयल होगी फिर थोड़ा ठंडी होगी तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट निकल के आएगी। आप देखना कलर तो आप देख ही रहे हो ना, अच्छा आ रहा है। कसूरी मेथी ऐड कर देंगे थोड़ी सी, करना और ज़्यादा नहीं। हाँ बस क्रश करके डाल दो इसके ऊपर, बिल्कुल बढ़िया पाव भाजी लग रही है यार। देखो क्रश करके डाल दो दोनों हाथ से। ये लो जी गई कसूरी मेथी, वरुण की फेवरेट चीज़, बढ़िया परफेक्ट। अब इसे 5-7 मिनट ऐसे बॉयल होने देते हैं
एंड दैट्स इट, भाजी इज टोटली रेडी, बटर ऐड कर देंगे ऊपर से। हम लोग ना पाव भाजी अभी तक खा ही नहीं पाए क्योंकि हम लोग देखने में बिजी हो गए थे सीरीज, बट फिलहाल तो अभी खाने का ब्रेक लेते हैं, पॉज कर देते हैं, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी कौन सा स्टार्ट हो गया है एपिसोड पता नहीं कौन सा यार, सो मैंने पॉज कर दिया सीज़न वो एपिसोड पता नहीं कौन सा है। जल्दी से भाजी को कर लेते हैं गरम, एंड इसमें अभी पड़ेगा बटर क्योंकि हम लोगों ने बटर नहीं ऐड किया था, नहीं बस एक चम्मच रखी थी मैंने, बीच में ना चाय भी पी गई है। सही है ना, अब इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी नहीं है अभी, ये देखो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ना, ठीक है। तो ये ठंडी भी हो गई है, तो ठंडी होने के बाद ना कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हो गई है इसकी। इसको गर्म करके इसमें ऐड कर देंगे बटर। ओ मेरे जामुन, जा जा जामुन। एक पैकेट निकालती हूँ अभी तो, एंड बटर। ओके तवा इज हियर। हाँ नमक, ये ऐसा नॉन स्टिक का सेकते हैं नमक। ओके एक मिनट तवा निकाल दूँ, थोड़ा सा जगह मिलेगी, मैं निकाल दूँगा, निकाल देती हूँ। और अभी तक हम दोनों नहाए भी नहीं हैं, मतलब हम कल शाम को नहाए थे यार, अभी नहाएंगे पाव भाजी खाने के बाद। बट सीरीज बहुत अच्छी है, अगर आप में से किसी ने देखे तो बताना, नहीं देखे तो भी बताना, मस्ट वॉच है। हमने इसकी फर्स्ट सीरीज तो बहुत पहले देखी थी ना, लास्ट लॉकडाउन में देखी थी। हाँ लास्ट लॉकडाउन में देखी थी, हाँ। और ये वाली अभी, माय टमी फील्स हंग्री नाउ, एंड आज वरुण के हाथ की स्पेशल पाव भाजी मिलेगी बहुत टाइम के बाद। अभी ने बनाई है, हाँ हाँ कह सकते हैं। बट स्टिल आज बेबी को मिलेगा वरुण के हाथ का कुछ खाना, एंड लुक एट माय टमी, छोटू सा टमी, छोटू सा। यस कैसी परफेक्ट, और कम है अभी वरुण, बटर भी तो पड़ेगा, बटर में भी नमक होता है, होगा पर थोड़ा सा कम ज्यादा है। ओके नमक काफी पड़ जाता है यार इसमें। हाँ तो आलू है ना क्योंकि अपन सब्जी तो है ये पूरी, बट मतलब पाव भाजी मतलब मसाले जरूर नहीं लग रही, थोड़ा चखके देखो आप। नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है, ज्यादा वो मत करो मसाला वाला, मुझे लगता है बट पाव भाजी से ज्यादा हेल्दी ना वो है सांबर, उसमें बहुत वेजिटेबल्स होती हैं, अच्छा भी लगता है। हम लोगों ने कब बनाया था लास्ट सांबर, अभी तो बनाया था 5-6 दिन पहले जब मम्मी थी, आई थिंक मम्मी जिस दिन गई है उससे एक दिन पहले ही सांबर बनाया है। और अभी तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इतना सा बटर, और बाकी मैं फिर प्लेट्स में ऐड करूँगी। यार पनीर क्रश नहीं करते हैं बाद में, अभी थोड़ा सा करेंगे ना, पनीर में लाया हूँ उसके लिए, लाया हूँ मैं ना पराठे के लिए, लाई पराठे के लिए, अभी है ज़्यादा आ गया उसमें। थोड़ी सी कसूरी मेथी और हल्का सा ना पाव को इसमें ऐसे डिप करके और फिर बटर लगाते हैं जो पाव सिकता है, अमेजिंग, बहुत टेस्टी। क्रश कर लेते हैं ऐसे पूरा, तो हमने थोड़ा सा बटर ले लिया, उस पर कसूरी मेथी एंड थोड़ी सी डाली भाजी, अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब पाव खोला नहीं, पाव खोलो पहले। सो ये गया बटर, मैं हमारा पाव लटपट होता हुआ, सो गया बटर, चलो ठीक है परफेक्ट। तो ये लग के तैयार हो गई है पाव भाजी की प्लेट, एंड यार इतनी ज़्यादा ऑसम लग रही है ना भाजी की, मैं बस क्या ही बताऊँ।
प्लेट लग गई है, यहाँ पे हमने प्याज रख दिया है एंड नींबू रख दिया है एंड ये पाव भी ना बहुत ही क्रिस्पी सिके हैं। सो यस, बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो गया है एंड मैं अपनी प्लेट लगा के लेकर आई हूँ। बाकी सब लोगों ने खा लिया है, पूछते हैं कैसे कैसी लगी पाव भाजी। बढ़िया भाजी, कैसी लगी? बढ़िया। तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया बट यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। वैसे तो वेदर अच्छा हो रहा है बट गर्मी बहुत हो रही है। वरुण ने भी खा लिया बट वरुण को ना अभी लास्ट में एक पाव खाने का मन कर रहा है तो वो खुद देख रहे हैं। आपको कैसी लगी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैं तो जा रही हूँ एसी स्टार्ट करके वहाँ बैठ के तसल्ली से खाने। मुझे ना खाना थोड़ा शांति में ही पसंद है वैसे भी। बटर वटर डाल के ना, हाँ, और नींबू हमने डाला नहीं था भाजी में क्योंकि अब हम ऊपर से नींबू डालने वाले हैं तो हाफ हाफ नींबू, दो नींबू कट कर लिए थे, चारों ने हाफ हाफ ले लिया, थोड़ा सा भाजी में एंड थोड़ा सा प्याज में। यस, मेरा शॉर्ट्स है वो। सो फाइनली 8 बजे 7:55 पे हमारी जो सीरीज़ है वो हो चुकी है ख़त्म। बट सीरीज़ बहुत ही अमेजिंग थी एंड मेरे को भी जाना है नहाने के लिए, मेरे को नहीं सबको, मतलब वरुण जा रहे हैं, मेहुल भी नहाएगा एंड मैं भी नहाऊंगी फिर बाद में। उससे पहले मैंने सोचा कि अपने व्लॉग को ख़त्म कर लेते हैं जो कि ख़त्म नहीं हुआ है। एंड हाँ, व्लॉग की स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। तो बेसिकली हम लोग क्यों गए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड, हाँ, सो हम लोग गए थे। वैसे तो हमारी जो डेट थी डॉक्टर के पास जाने की वो आगे है, अभी नहीं है, बट क्योंकि जो डॉक्टर थी मेरी वो बैठ नहीं रही थी, हमने जो लास्ट मंथ कंसल्ट किया था एंड जो मैंने रिपोर्ट साइन थी मेरी वो सब ना ऑनलाइन दिखा रहे थे, तो उनका वो था मैसेज था कि वो 1 तारीख से बैठने लगी हैं। सो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अभी एक बार दिखवा लेते हैं, सामने से मिल लेते हैं, रिपोर्ट्स एक बार सामने से दिखा लेते हैं एंड कुछ कंसल्ट कर लेते हैं। साथ में मुझे टिटनेस का इंजेक्शन भी नहीं लगा था तो वो भी लगवाना था। फिर हम लोगों ने प्लान किया एंड हम लोग चले गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। बाकी रिपोर्ट्स में क्या आया है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा वेट लूज़ हो गया था। हाँ यार, मेरा वेट बहुत लूज़ हो गया था बट अभी ठीक है ना, अभी आपको देखने में भी लग रहा होगा, हाँ मतलब मच बेटर है पहले से। तो रिकवर तो नहीं हुआ है बट हाँ, स्टिल मच बेटर। और एक और बहुत अच्छी बात बताऊं, मेरा 5th month स्टार्ट हो चुका है। यस, ओनली 4 months टू गो, लाइक 6th, 7th, 8th, 9th, ओनली 5th month मेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तो। देखो मेरे व्लॉग्स रेगुलर हो रहे हैं थोड़े से धीरे धीरे से, क्योंकि जो 3rd वाला month था ना, इट वॉज लाइक ओ माई गॉड, इतना मुश्किल था काटना। क्या हुआ था मैं आपको बताऊँगी बट बहुत मुश्किल था वो। अभी चीज़ें लाइफ व्लॉग्स धीरे धीरे बैक टू ट्रैक आ रहे हैं। तो या बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा अपडेटेड वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हमारी पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एंड पता है क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, मेरे ना पिछले महीने वीडियोज़ नहीं गए क्योंकि यार तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से मेरे व्यूज़ इतने कम हो गए हैं, इतने कम हो गए हैं। क्यों भला क्यों? बहुत ही कम व्यूज़ हो गए हैं। तो यार शेयर करो वीडियो को प्लीज़ एंड थोड़े से तो व्यूज़ बढ़वाओ, इतने कम व्यूज़ लाइक, मतलब मुझे लग रहा है ना इतने कम जो व्यूज़ अभी आ रहे हैं ना वो बहुत टाइम पहले आते थे, पिछले 1 साल पहले। बहुत ही गंदा, एकदम ऐसे पुश हो गया है मेरे, पुल हो गया है मेरे व्यूज़ में। बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग प्यार देते रहो ऐसे जैसे दे रहे हो एंड शेयर कर दो बस इस वीडियो को, बाकी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।